नमस्कार, मैं हूँ फरीदाबाद से मिलन शर्मा। यहाँ पावटा गांव में खेती और गौ पालन कर रही हूँ। देख के लगता नहीं होगा ना कि मैं गाय पाल सकती हूँ और खेत में काम कर सकती हूँ। जी हाँ, पिछले 5 वर्ष से इसमें हूँ। 5 वर्ष पहले तक तो आप ही सबकी तरह अर्बन एनवायरनमेंट में रहते हुए, एक कॉर्पोरेट जॉब करते हुए नोएडा में ही निवास कर रही थी। जब नोएडा में निवास कर रही थी तो अपना घर था और घर पे बहुत बड़ी छत भी है। तो डीडी किसान का ये जो प्रोग्राम है छत पे बागवानी, इसको लगातार देख देख करके, पहले अपने छत पे हमने बहुत कुछ, बहुत सब्जियां उगाई, फिर छोटे मोटे और पौधे भी उगाना शुरू किया और मुझे बहुत फ़ायदा मिला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके माध्यम से आप लोगों तक भी कुछ और अच्छी चीज़ और कुछ एक अनोखी चीज़ पहुँचा पाऊँ। और मेरा सौभाग्य है कि डीडी किसान की टीम ने मेरे सुझाव को माना और आज यहाँ मेरे खेत पर पहुँची है। तो आपके सामने मेरे खेत की, मेरी गायों की निकली हुई कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताती हूँ ये जो भी सामान यहाँ रखा हुआ है, ये सब का सब देसी गौवंश के गोबर से बना हुआ है। सभी कुछ, चाहे मूर्तियाँ हैं, दिए हैं, धूप बत्ती हैं, धूप बत्ती के स्टैंड हैं, शुभ लाभ, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे गाय के गोबर से ही बना रहे हैं। इसमें कुछ सामान और मिलाना पड़ता है, नहीं तो गोबर से तो खाली अगर हमने कुछ भी ऐसे ही लेप बना के कोशिश की तो नहीं बनता। तो थोड़ा बहुत सामान और जो मिला करके हम इनको यहाँ बनाते हैं। इनसे आपके घरों में पॉजिटिव वाइब्स तो आती ही आती हैं, क्योंकि अपने देसी गौवंश की एक बहुत खासियत है, उनके गोबर और गौमूत्र में भी एक ताकत होती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। साथ ही ना इनमें कोई भी रसायन, कोई केमिकल, कोई प्लास्टिक, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती जिससे कि हम अपने पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा पाएँ। गोबर से हमारे पर्यावरण पे कोई नुकसान नहीं होता। जब हम गोबर से बनी धूप बत्ती अपने घर में जलाते हैं तो उससे मच्छर मक्खी भी भागते हैं और जो आम बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें कोई बीमारी दे सकते हैं, उनका भी नाश हो जाता है। तो देखिए, धूप बत्ती जो हम अगर गोबर की जलाएँ उससे हमें घर पर फ़ायदा ही होता है। अब उसको जलाने के बाद ये जो ऐश बच जाती है, इसका भी उपयोग आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। ऐसे ही ये जो हम गोबर के दिए, इनका भी अगर प्रयोग अपने घर में करते हैं तो इससे भी जो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और इसमें आप अगर अच्छा तेल या घी में इसको जलाएंगे तो आपके घर में वैसे ही आप देखेंगे कि बहुत ही एक काम सा वातावरण बन जाता है घर में। गाय के गोबर की बनी हुई मूर्तियों से जब हम पूजन करते हैं तो एक अलग ही ऑरा, एक अलग ही जो अच्छी वाइब्स आपके घर में है वो तो रहेंगी। तो अब इस बार सबके मन में ये विचार आ रहा होगा, पूजा का तो बता दिया, अब इसका और आगे क्या कर सकते हैं, क्यों छत पे बागवानी में, क्या हम छत पे जाके इनसे पूजन करें, या हम छत पे ये धूप बत्ती जलाएं, या छत पे जाके दिए जलाएं। दिए तो दिवाली पे छत पे जलाए ही जाएंगे ना, तो फिर और दियों की जगह इनको ज़रूर जलाइए, पर हमारी बागवानी में इनका क्या इस्तेमाल हो सकता है, सोचिए ज़रा। देखिए, आपको मैंने बताया किससे बने हैं ये, गोबर से, गाय के गोबर से। और मैं पिछले 5 साल से, जब से खेती में आई हूँ, मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ कि सबसे अच्छी खाद, आप पीछे मेरे खेत देख रहे हैं जो एकदम हरे भरे हैं, सबसे अच्छी खाद जो है हमारे खेतों के लिए, किसानों के लिए, हमारे घर के लॉन के लिए, हमारे छोटे छोटे गमलों के लिए, वो होता है गाय के गोबर की खाद। तो हमारी तो मूर्तियाँ, दिए सब बने ही गाय के गोबर से हैं जी। तो आप और कोई मूर्ति लेकर के आते हैं, कभी उनका विसर्जन करने जाते हैं, उन मूर्तियों में तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि जो नदियाँ हैं, तालाब हैं, उनको पानी को दूषित कर सकते हैं। यहाँ जब आप इन गोबर की मूर्तियों को अगर विसर्जन करने भी जाएंगे, किसी भी तरह से हमारे जितने भी जली ये नदियाँ हैं या तालाब हैं, स्रोत हैं, वो किसी भी तरह से प्रदूषित नहीं होते, बल्कि इनसे उन मछलियों के लिए खाने का भी सामान निकल आता है। और यदि आप इनका प्रवाह करने किसी उसमें नहीं जा रहे, विसर्जन करने नहीं जा रहे, और आप इनको अपने छत पे लगाए हुए जो पौधे हैं, उन जो गमले हैं, उनमें आप इन मूर्तियों को रखिए, रोज़ इन पे जल भी अर्पण करिए, हाथ जोड़िए, उनसे अपने घर के लिए अच्छी मनोकामनाएं कीजिए, और साथ ही साथ अपने गमलों में गोबर का भी जो फ़ायदा है वो पहुंचा सकते हैं आप। देखिए, एक और उत्पाद है ये, हम छोटे छोटे गणपति बनाते हैं,
अपने यहाँ अपनी संस्कृति में कुछ भी अच्छे की शुरुआत से पहले हम हमेशा गणपति की पूजा करते हैं। तो ये जो खास बनाए गए हैं कि हम अपनी गाड़ी में इनको लगा सकते हैं, चाहे तो हम नीचे कुछ लगा के चिपका सकते हैं डबल साइडेड टेप, और अगर यदि हम चाहें तो कहीं से इनको अच्छी डोरी से कलावे से लटका भी सकते हैं, ताकि आपकी हर यात्रा से पहले आप गाड़ी में बैठें, नमस्कार करें और आपकी यात्रा मंगलमय हो। पिछले एपिसोड में छत पे बागवानी में मैं इतना इम्प्रेस हुई उन फूलों का इस्तेमाल देख करके कि कैसे हम घर में उनको अपने घर सुखा करके उनको ऐसी व्यर्थ जाने की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने सोचा उसी के बारे में और आगे भी हम और ये पर्यावरण की बात करें कि इस मौसम में, इस त्योहारों के सीज़न में कुछ भी अपने घर से वेस्ट ना जाने दें और वोकल फॉर लोकल पे बहुत जोर दें। एक खास कारण था कि हमारी संस्कृति में मानसून के बाद, ये जो बारिशों के मौसम के बाद ये त्योहारों का सीज़न, ये दिए जलाने की परंपरा थी। जब हम तेल के लौ वाले दिए जलाते हैं तो जो भी सीलन, जो भी कुछ और गीलापन हमारे घरों में या जो मक्खी मच्छर पनपने लगते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो इन बिजली वाले या चाइनीज़ आइटम्स को छोड़ करके, उन लड़ियों को छोड़ करके आसपास के कुम्हारों को सपोर्ट करिए जो दिए लेकर के वहाँ बेच रहे हैं, मिट्टी के दिए, गोबर के दिए, जैसे भी आपको मिले घर में अच्छे तेल से बढ़िया दिए, घी के दिए जलाइए, ताकि हमारे घरों में भी सुख शांति और ईश्वर की कृपा बनी रहे। देश का एकमात्र ऐसा अनुसंधान संस्थान जिसने विशिष्ट तकनीक के प्रयोग से विलुप्तता की कगार पर पहुंच चुकी मत्स्य प्रजाति को एक नया जीवन दिया है। इन 35 सालों में हमारे वैज्ञानिकों ने और कई प्रदेश जो हैं उनके क्षेत्रों का जो है सर्वे किया है और ये पाया है कि कैसे जो है किस तरह की मछलियां पाई जाती हैं, और अभी तक करीब 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 250 के आसपास मछली की प्रजातियों का पता लगा है। हम आपको लेकर चलेंगे शीत जल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय भीमताल। अगर आप भी संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, मत्स्य पालन के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, तो देखना मत भूलिए श्रेष्ठ संस्थान रविवार रात 8 बजे एवं पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 पर दूरदर्शन किसान चैनल पर। तो चलिए आप लोग को अब बताती हूँ कि ये मूर्ति और दिए बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए गोबर, पर जब हम गोबर सोचते हैं तो गीला गोबर ध्यान में आता है, वो नहीं। आपको आम उपले कंडे जो हैं वो मिल जाएं, उसे घर पे हमको थोड़ा सा कूट करके, कूटने के बाद सूखे फॉर्म में जब वो पाउडर फॉर्म में आ जाए, उसे ऐसा बनाने के लिए कपड़े या किसी अच्छी फाइन छलनी से छान के ऐसा पाउडर बनाने ला ज़रूरी है। गोबर के बाद इसमें हमें मिलाने के लिए भी कुछ चीज़ चाहिए जिससे कि उनका फॉर्म अच्छा आ जाए। चिकनाई लाने के लिए हम मिलाएंगे इसमें ग्वार गम, और आसानी से कुछ देर तक बने रहें, खराब ना होएं और दीपक में आग ना लग जाए, उसके लिए हम उसमें मिलाते हैं थोड़ा सा चूना, आम सफ़ेदी कलई वाला चूना उसमें मिलाया जाता है। इस सब को मिलाने के लिए सब तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला करके थोड़ा पानी ले करके जैसे आटा मला जाता है, इस तरीके से हम इसका एक डो बना लेते हैं। अब उस डो को कैसे ये रूप दें, उसके लिए हमें आराम से बाज़ार में सांचे मिल जाते हैं, ऑनलाइन अब इजीली अवेलेबल हैं सांचे। लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाओं के, बड़े छोटे, केवल गणपति जी की, दियों के, शुभ लाभ लिखा हुआ या और स्वास्तिक, ऐसी भी चीज़ों के सांचे आपको मिल जाएंगे। इस डो को उस सांचे में भरने से पहले हम सांचे में लगाएंगे थोड़ा सा तेल, कोई भी चिकनाई लगा सकते हैं, हमारे पास सरसों का तेल है, हम सरसों का तेल लगा के वो डो उसमें भर के अच्छे से दबा करके और निकाल करके धूप में सुखा लेंगे। अब धूप में जब सूख जाएंगे अच्छी तरह से, उनको आप और सुंदर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रंग, जिसके लिए आपको थोड़े से फाइन ब्रश चाहिए, क्योंकि गोबर पे थोड़ा सा पेंटिंग करना मुश्किल हो जाता है,
तो पतले वाले ब्रश और अच्छे से कलर्स लेकर के आप उन्हें एकदम सुसज्जित कर सकते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं लक्ष्मी गणेश जी और दिए गोबर से। तो जो सूखा गोबर, चूना और ग्वारगम मिला करके पानी के साथ हमने एक डो बनाया था आटे जैसा, इससे हम करेंगे शुरुआत। और अब जो हमारे पास मोल्ड है उसमें मैंने आपको बताया हम लगाएंगे चिकनाई, कोई भी तेल लगा सकते हैं, हमारे पास सरसों का तेल है तो हम इस पूरे मोल्ड में अंदर सरसों का तेल लगा देंगे। अब सांचे में तेल लगाने के बाद हम भरेंगे उसके अंदर अपना गोबर का डो, जितने अच्छे उसका हमें आकार चाहिए उतना हमें उसे दबा दबा के अच्छी तरह से मलमल के भरना है। जितना ज़्यादा हम दबाएंगे, जितना ज़्यादा इसमें हम मेहनत करेंगे, उतनी अच्छी आकृति हमारी मूर्ति की निकल करके आएगी। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इस मूर्ति को अगर आप अपने छत पे जो भी बागवानी कर रहे हैं गमलों में डालेंगे तो बढ़िया, आप रोज़ हाथ भी जोड़ सकते हैं और आपके पौधों को अच्छी खाद भी मिलती रहेगी, माने आम के आम गुठलियों के दाम। अब जब ये अच्छी तरह से दब गए, अच्छी तरह से हमने इसमें भर लिया, तो इनको धूप में सुखाना है। धूप में सुखाने के लिए हमें पहले मोल्ड में से बाहर भी निकालना होगा, जिसके लिए या तो आपके पास कोई चपटी चीज़ हो, लकड़ी का तख्ता हो, मैं अभी आपको एक थाली में निकाल के दिखाती हूँ। ये मोल्ड जो है दो हिस्सों में होता है, तो ये जो मुलायम वाला हिस्सा जिसमें हमने गोबर का अपना डो भरा है, इसको हम हार्ड वाले हिस्से से अलग कर लेंगे। अब ये जो हार्ड हिस्सा है इसे हम अलग रखते हैं और ये मूर्ति इसमें से हमें इस सरफेस पे निकालनी है। बहुत ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं, आराम से इस मोल्ड में से निकल आती हैं। और ये देखिए तैयार है हमारे गणेश जी। और इसी तरीके से हम लक्ष्मी जी को भी मोल्ड में ये डो भर के बना लेंगे। सबसे पहला स्टेप तेल लगाने का, उसके बाद मोल्ड में गोबर के डो को भरने का। इस तरीके से ये जो मैं भर के इसमें आपको दिखा रही हूँ, आज तो मैं कर रही हूँ पर आप अगर घर पे ट्राई करिए तो आपके बच्चों के लिए एक बहुत एक फ़न एक्टिविटी भी हो जाएगी, आपके लिए पूजा के आइडल भी बन जाएंगे और बच्चों के लिए एक फ़न एक्टिविटी हो जाएगी। अब हार्ड वाला मोल्ड हम इससे हटा देंगे और ये जो सॉफ्ट वाले हिस्से में गोबर हमने डाला हुआ है, इससे हम धीरे से लक्ष्मी जी की सुंदर प्रतिमा निकाल लेंगे। कभी कभी थोड़ा सा गोबर चिपका रह जाता है, जिसे के हाथ से आप एकदम सही कर सकते हैं। ये देखिए अब अगला स्टेप है इनको सुखाने का। आराम से धूप में आप इसको रख दीजिए जहाँ ये सूख जाते हैं। तेज़ धूप हो तो 24 घंटे में भी सूख सकते हैं, और जैसे आजकल थोड़ी ठंडी धूप होने लगती है तो हो सकता है दो दिन से 3 दिन भी लग जाएं। अगर हम इनको गीला गीला ऐसे खड़ा करने की कोशिश करें तो ये गिर के टूट सकते हैं, तो इसलिए पहले आप कम से कम 6-7 घंटे की धूप में इनको सूख जाने दीजिए। जब थोड़ा हल्का सूख जाए फिर हम इन प्रतिमाओं को आराम से सीधा करके भी खड़ा कर सकते हैं, ताकि वो पीछे की तरफ से भी अच्छी तरह से हवा और धूप से सूख जाएं। सूखने के बाद जब अच्छी तरह से सूख जाएं तो कुछ प्रतिमाएं हमारी कुछ इस प्रकार दिखती हैं, पीछे से भी एकदम सूखी हुई और आगे से भी, उनका पूरा चित्रण अच्छी तरह से उभर के आ जाता है। अब हम इनको और सुंदर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे पेंट्स का। देखिए ब्रश अलग अलग साइज़ के होते हैं पर गोबर पे पेंट करना थोड़ा आसान नहीं होता, तो हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे 0 और 1 नंबर के ब्रश का। हम शुरू करते हैं गोल्डन कलर से, क्योंकि यही वो रंग है जो सबसे ज़्यादा उभर करके आता है, इसलिए मेरा फेवरेट भी है। आँखें, बिंदी, टीका, ये सब लगाते हैं, वो छोटा छोटा काम होता है तो उसमें बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है, तो पहले हम हमेशा मानव हैं हम भी, सबसे पहले आसान वाला काम करते हैं। ये देखिए आउटलाइन गोल्डन कलर से हमने तैयार की। अब अंदर जो रंग भरे जाएंगे, लाल रंग की साड़ी, साड़ी का बॉर्डर, पीले रंग का
तिलक लाल रंग का और एक हम इनका बेस बनाते हैं नीले रंग से। चलिए मैं सारे रंग अपने पास रख लूं। काला रंग भी हम इस्तेमाल करते हैं आउटलाइन के लिए। अब सारे रंग मेरे पास हैं, ब्रश मेरे पास है। सबसे मुश्किल काम है आंखें बनाना, जो सबसे छोटा है इस मूर्ति में। हमने शुरू आसान से किया था, पर जब अब अंदर भर रहे हैं तो पहले सबसे मुश्किल वाले काम को हम पहले ख़त्म करते हैं। अब जब तक ये आंखें सूखेंगी तब तक हम बाकी रंग भरते हैं। अब लाल रंग की साड़ी, और साड़ी के बाद उनके सुनहरे रंग के गहने, सुनहरे रंग का मुकुट भी बनाएंगे, ब्राउन कलर लेकर के हाथ बनेंगे, और वाइट कलर से जो आउटलाइन है वो भी करी जाएगी, जिससे कि वो एकदम उभर के आए। साथ में एंड में बिल्कुल जा कर के ब्लैक कलर से हर चीज़ की आउटलाइन, और फिर नीचे जो हमको रंग भरना है उनके बेस पे वो ब्लू कलर। अब सारे रंग भरने के बाद एकदम सुंदर लगने लगी है मेरी लक्ष्मी जी की प्रतिमा। ये देखिए कितनी सुंदर मूर्ति बनकर आई हैं। आप चाहें तो इसमें कुछ और रंग ज़्यादा भी भर सकते हैं और कुछ कम भी भर सकते हैं। और बच्चों के लिए फन एक्टिविटी बनानी है तो उनके ऊपर छोड़िए, वो जहाँ जैसा रंग भरना चाहें, उनके लिए भी मज़ा और हमारे लिए भी प्रतिमाएँ बन के तैयार हो जाएंगी। गणेश जी की मूर्ति थोड़ी मैंने पहले ही तैयार करके रखी थी। ये देखिए दोनों का जोड़ा अब कितना सुंदर लग रहा है। एक ऐसा रक्त विकार जिससे लाल रक्त कोशिकाओं का विनाश होता है, जरूरत है विरासत में मिले रक्त विकार को पहचानने की और थैलेसीमिया से बचाव की। विरासत में उपजी बीमारी थैलेसीमिया, लक्षण और जागरूकता। देखिए स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अभी हमने बनाई लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमाएं। अब सेम डो से यानी गोबर, चूना और ग्वारगम मिलाकर के जो हमने डो बनाया गोबर का, उससे अब हम बनाते हैं शुभ लाभ और धूप बत्ती बनाने के स्टैंड। मैंने अभी आपको बताया था कि ये घरों में बच्चों के लिए भी एक फ़न एक्टिविटी हो सकती है, तो मैं तो बहुत कुछ बना ही रही हूँ और आपको बना के दिखाया भी। अब मेरे साथ में आपको हमारे फार्म पे जो परिवार रहते हैं, जो गौ सेवा में हमारे यहाँ कार्यरत हैं, तो उनके बच्चे मेरे साथ इस फन एक्टिविटी को आपके सामने अभी करके दिखाएंगे। एक सांचा तुम्हारा, एक सांचा तुम्हारा, और मैं बनाती हूँ धूप बत्ती के लिए स्टैंड, उसका ये एक अलग सांचा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप वही चिकनाई लगाने का, यानी तेल लगाने का। सारे ही सांचों में पहले हमको लगाना है अच्छी तरह से तेल। अब तेल लगाने के बाद वही प्रक्रिया, इसमें भरेंगे हम मिलाया हुआ अपना गोबर। तो अब हम बना रहे हैं शुभ लाभ और धूप बत्ती के स्टैंड। इनको निकालने के लिए फिर पहले की तरह अपने को कोई चिकनी प्लेट या कोई चिकनी तख्ती चाहिए। अब इस प्लेट में हम ये धूप बत्ती स्टैंड का रखेंगे मोल्ड, जिसके अंदर हमें भरना है ये गोबर, जो गोबर का अपना डो है। सांचे के दूसरे भाग को इसके साथ यूँ मिला करके थोड़ा ज़ोर लगा करके हमें दबाना है, ताकि वो जो सांचे की शेप है, जो गोबर है, वो शेप ले ले। अब ऊपर से धूप बत्ती के लिए जो छेद बनना है जिसमें कि धूप बत्ती जाएगी, वो कैविटी बनाने के लिए हम इससे इस पे प्रेशर लगा करके फिर से ज़ोर से दबाएंगे,
जो एक्स्ट्रा गोबर साइड से निकल आता है वो सारा हम अलग निकाल करके वापस उसी डो में मिला देंगे। सब तरफ से दबाने के बाद अब हमें बस क्या करना है, ऊपर का ये जो कवर है इसे हटाएंगे और सांचे के दोनों मोल्ड्स भी हम इस प्रकार से अलग कर देंगे। ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा गोबर रह जाता है, ये जब हमारा ये सांचा जो बन के तैयार हो सूख जाएगा तो आराम से इसको हम झाड़ के निकाल सकते हैं। ये जो सांचा बन के तैयार हुआ इसको भी लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा की तरह हमें बस धूप में सुखाना है। सूख जाने के बाद हम रंग लगा करके इसको और सुंदर बना सकते हैं। और अब देखिए, बच्चों ने शुभ लाभ के सांचे में गोबर भर के शुभ लाभ भी तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, सुंदर से शुभ लाभ बन के हो गए तैयार। और इसको और सुंदर बनाने के लिए इन्हें रंग करके हम और सुंदर बना सकते हैं। और इनको इस्तेमाल कैसे करें घर पे? इसके पीछे हम लगा देते हैं डबल साइडेड टेप। इसको लगाने के बाद आप जहाँ मर्जी चाहें अपने घर पे, दीवार पे, दरवाजे पे, कहीं पे भी इनको आराम से लगा सकते हैं। और जब आपका इनसे मन भर जाए या बाई चांस ये गिर जाए, पीछे से टेप की गोंद ख़त्म हो जाए, तो आपको क्या करना है, बस इन्हें अपने यहाँ गमले में रखिए और जल अर्पित करते रहिए। ये आपके पौधे को भी स्वस्थ रखेंगे और पर्यावरण को किसी भी तरह से प्रदूषित नहीं होने देंगे। और ये जो हमने बनाया था धूप बत्ती का स्टैंड, जिसको मैंने आपको दिखाया था कि हम रंग करके इतना सुंदर बना सकते हैं, इसमें हम लगाएंगे गोबर से ही बनी हुई धूप बत्ती और करेंगे अपने घर के वातावरण को शुद्ध और सौम्य और शांत। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। पशुओं की आंखें जब दिखने लगे लाल, पशुपालक ना करें इस लक्षण को नजरअंदाज। क्या है पशुओं में नेत्र से जुड़े रोग और उससे जुड़े समाधान? पशुओं में नेत्र रोग और उपचार जानने के लिए देखिए अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। नदरों डल झील का नजराना और साथ ही सेहत का खजाना, कृषि विशेष में इस बार देखिए डल झील से नदरू की खेती और उसके बारे में विस्तार से इस शनिवार शाम 7 बजे और अगले दिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बात करेंगे हम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में, कैसे लोगों को लाभ मिलता है। जब वित्त मंत्री ने अनाउंस किया था बजट,
उसमें पीएम विश्वकर्मा की घोषणा की गई थी। तो उसका टैगलाइन क्या है? सम्मान सामर्थ्य समृद्धि। तो हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को सम्मान दिया जा रहा है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन के बाद वेरिफिकेशन हो गया, तुरंत सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब जानकारियों के लिए देखिए सरकार आपके साथ पीएम विश्वकर्मा योजना 28 अक्टूबर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तुम्हारे पेट को करना पड़ेगा थोड़ा और इंतजार। इंतजार? लेकिन अब क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम पड़ो बीमार। अरे पर मैंने हाथ तो धोए थे ना। लेकिन साबुन से नहीं। हाँ, और कीटाणु को भगाने का बस एक ही तरीका होता है हीरो। खाना खाने से पहले और टॉयलेट जाने के बाद वेरी इम्पोर्टेंट हाथ धोना, वो भी साबुन से। देखिए गली गली सिमसिम प्रतिदिन शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कि तुम लोग सब उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। हमारे छोड़िए, आप अपनी बताइए। दादा दोस्त, अश्विनी अंकल, पापा। क्या हुआ जानकी बेटा, तुम ठीक तो हो? इसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि जानकी हमारी बेटी। देखिए जानकी सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आज हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पोषण के बारे में। जी हाँ, श्री अन्न के बारे में। जब अपने आहार में शामिल करेंगे श्री अन्न, इनका सेवन हजारों सालों से हमारे देश में होता आया है। एशिया में भारत मिलेट्स का 80% उत्पादन करता है। कौन कौन से हम व्यंजन तैयार कर सकते हैं? हम ऐसे एक फूड रेंज लाएं जो टेस्टी भी हो, पोषण दे, इजीली बन भी जाए। मिलेट ईयर 2003 को सेलिब्रेट करते हुए अपना मिशन मिलेट इनिशिएटिव लॉन्च करे हैं और हम हर मील में इसको डाल के यूज करते हैं। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश श्री अन्न, सेहत भी और स्वाद भी। 28 अक्टूबर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ये सच है पिताश्री कि आपकी कृपा और परम देव श्री महागणेश के आशीर्वाद से मुझे सच का ज्ञान है, परंतु मेरे अतिरिक्त और सभी को इस बात का ज्ञान हो, इसीलिए मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा है और आपसे उत्तर की प्रार्थना भी करता हूँ। इस बार एक विचित्र घटना घटित होने वाली है। दैत्य गुरु परम देव श्री महागणेश और उनके अवतार तो आपके पहले से ही शत्रु हैं, इसीलिए अब आपको भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। नहीं, कदापि नहीं। देखिए श्री गणेश प्रतिदिन शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बदलते भारत की शान।